अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान। मैं हूँ इस वक्त फ़तेह जंग की नॉर्थ साइड के ऊपर। दो मुझे घाट नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो जो है मुझे ये मंदिर से तकरीबन नॉर्थ साइड पे नज़र आ रहा है एक है, और एक दो जो मुझे टेंपल्स नज़र आए हैं वो मैंने आपको दिखाए पहले, कृष्णा टेंपल और लॉर्ड शिवा का टेंपल जो है। उसके बाद अभी ये जो मैं आपको तालाब दिखा रहा हूँ या स्नान घाट दिखा रहा हूँ, सरोवर दिखा रहा हूँ, दैट्स बिलोंग टू सिक्स, ये सिखों का है। और इसके साथ ही आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत बड़ा तालाब है जो कि हिंदू धर्म का था, और इस बिल्कुल बिल्कुल उन टेंपल्स के पास है। यहाँ से टेंपल्स के भी व्यू आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ जी हैं, मेरे कैबमैन आए हैं मेरे साथ जो हैं वो हैं अरशद साहब हैं, उन्होंने मुझे ये बताया इस चीज़ के मतलब, शायद मुझे ना पता चलता लेकिन ये मुझे साथ लेकर आए, और उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पर दो सरोवर्स हैं। मैं देख के बड़ा खुश हुआ हूँ कि दो सरोवर्स हैं, लेकिन अफसोस कि सरोवर्स तो हैं लेकिन सरोवर में नहाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त गंदगी का ढेर बना हुआ है। तो जो बेहोम मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है वो आप ये देखें, बाबा बोर्ड मुझे यहाँ पर भी मिल गया। ये बहुत पुराना ट्रीज़ बता रहे हैं कि ये वाला जो बाबा बोर्ड है ये कम अज़ कम 350 ईयर्स ईगो जो है वो है, या मे बी इससे भी ज़्यादा। कुछ लोग इसके मतलब कहते हैं कि यहाँ पर दासी पंथ के कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पे आके बैठते थे, और ये देखें साथ में ही पीपल का दरख्त है। तो ये यहाँ पे जो है वो सिख संगत जो है वो ज़्यादा यहाँ पर आती थी, और यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा टेम्पल भी नज़र आ रहा है, सिख टेम्पल नज़र आ रहा है। ये आप देखिए किस कदर ये जो है वो बोर्ड जो है वो इतना बनियन इतना पुराना है कि मैंने अभी तक खिता पठवार में इतना पुराना बनियन कहीं नहीं देखा है जो कि मुझे आज फ़तेह जंग में मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ अदील भाई का और अरशद भाई का, जिन्होंने जो मुझे यहाँ तक लेकर आए और जिन्होंने मुझे यहाँ पर दिखाया कि ये सब कुछ यहाँ पर अभी तक अवेलेबल है। ये देखिए ये इस वक्त कम अज़ कम जो बोर्ड है, बोर्ड का दरख्त जो है इस वक्त वो कम अज़ कम दो मरले से ज़्यादा खाली इसकी रूट्स हैं, दो मरला, क्योंकि कम अज़ कम 200 फीट से भी ज़्यादा सराउंडिंग में फैला हुआ है। और ऊपर का तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, ये देखें वो तालाब के बिल्कुल नीचे तक नज़र आता है। ये सरोवर जो है वो सिख फैमिलीज का था, और ये देखें किस कदर हाथ से तराशे हुए खूबसूरत पत्थर जो हैं वो स्टील आपको ये साथ साथ पूरा बंद जो है वो ये देखें सरोवर की सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ स्टेयर्स हैं सरोवर के लिए। एक और मज़े की बात बताता चलूँ आपको, खिता पठवार के अंदर सरोवर्स पानी की बने अब तक जो बनी हुई हैं मोस्टली 99% बिल्ट बाय सिख फैमिलीज, और कुछ हैं उनमें जो कि हिंदू फैमिलीज के साथ बिलोंग करती हैं। आइए मैं आपको एक सिख टेंपल भी दिखाता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग मेरी इस बात को डिनाई करते हैं कि गुरुद्वारा जो हैं वो बिल्कुल छोटे नहीं हुआ करते थे। मैंने सतगुरा का नाम लिया तो काफ़ी लोगों ने इस बात को जो है वो काटा के नहीं यार इस तरह नहीं होता था। अब आप देखें कि ये उदासी पंथ के कोई बाबा जी थे जो यहाँ पे बैठते थे, उसी जगह के पर ये छोटा सा टेंपल बना हुआ है। मैं टेंपल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए तकरीबन अलोप हो चुका है, और आप ये देखें कि मोर देन 350 इयर्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी जो टेंपल है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ओरिजिनल स्टोन से बना हुआ है, इसके अंदर बाद में टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन पहले देखें आप ओरिजिनल पत्थर नज़र आ रहा है आपको, बेस भी सारी पत्थर की नज़र आ रही है।
क्योंकि नानक शाही ईंट इंट्रोड्यूस होने के बाद कोई भी टेंपल जो है वो पत्थर से नहीं बनाया गया, ये बात याद रखने वाली है। ये देखिए दिया जलाने की जगह, और ये थोड़ा शहर से हटके है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ आते हुए अगर आप देखें तो आपको ये खूबसूरत छोटा सा एक टेंपल नज़र आता है, वो टेंपल जो दो टेंपल्स मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, उसके बाद जो है वो आपको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। दो सरोवर्स हैं। और अच्छा, ये एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बाकी तकरीबन हर जगह की डिटेल्स मिलती हैं, हर जगह का कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा वीरानी, कुछ ज़्यादा सन्नाटा नज़र आ रहा है। कुछ शाम के ढलते हुए साए हैं, और कुछ वैसे भी जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आपका दिल डर जाता है देख के। तो जब भी मैं ऐसी जगहों पर आता हूँ तो मुझे एक ही बात याद आती है, जाने वाले क्या कुछ छोड़ के चले गए। ये है वो जो है हिंदू सरोवर है, जहाँ पर हिंदू लोग बाथ लेते थे, ग्रैंड बाथ बिल्ड बाय हिंदूज। ये आप देखें काफ़ी एंशिएंट है। और इसके अलावा मैं आपको इसकी कुछ और निशानियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए वेरी क्लोज टू, सिर्फ 30 फुट का फासला है दोनों सरोवर्स के अंदर। ये 6 सरोवर हैं, सात बाबा बोर्ड, और उसके बाद ये जो है वो जो हिंदू सरोवर है। आप ये देखिए कि हिंदू सरोवर में जो है वो पीपल, जो है वो पीपल का ट्री जो बहुत बड़ा है, ये भी ये देखिए ये पीपल है। और आप ये देखिए इसकी निशानी देखें आप, हैंड चिजल स्टोन है और बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ इसको बनाया गया है। दैट्स ग्रेट बात, वेरी क्लोज टू शिव मंदिर और कृष्णा मंदिर। ये आप देखें, यहाँ से मैं आपको शिव मंदिर और कृष्णा मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये मंदिर हैं, और इनसे तकरीबन कोई 100 यार्ड्स के फासले पे जो है ये सारा जो है वो बना हुआ है। ये देखें ये मंदिर और ये सरोवर। ये हॉली वेल है, ये देखिए ये इसके खजूर के दरख्त के नीचे जो है वो ये साथ ही पीपल का दरख्त है, और पीपल के दरख्त के नीचे एक पुराना कुआं था जिससे सब लोग पानी पीते थे। आज की शाम फतेह जंग के नाम, सेव द हिस्टोरिकल प्लेसेस पाकिस्तान एंड सेव हिस्टोरिकल गुरुद्वारास एंड टेम्पल्स ऑफ द पाकिस्तान। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, एक बार फिर मैं आपको बाबा पोड़ के पास लिए चलता हूँ। और ये आप मेरे पीछे जो सामने, सॉरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिख टेम्पल है। बनियन ऑल टाइम माय फेवरेट, कभी कभी डर भी लगता है मुझसे इससे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब भी मैं इनके पास आता हूँ। मैं पुरानी यादें देखता हूँ, कभी उदास हो जाता हूँ और कभी खुश हो जाता हूँ मैं देख के इन दरख्तों को, इन पौधों को, इन वीरान जगहों को, के जाने वाले क्या कुछ छोड़ के चले गए। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान।